बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तुहाड़ा होस्ट वसीम, तुसीं देख दिओ पे तुहाड़ा अपना चैनल AJK एनीमल टीवी। अज असीं अपने दोस्तां, अपने वीरां, अपने भरावां वास्तै एक नवीं वीडियो नाल अल ऐवान डेयरी फार्म फुलर वन नज़द दंदीदारा तहसील खारियां ज़िला गुजरात विच मौजूद हाँ। तो इत्थे माशाल्लाह काफ़ी सारे जिहड़े न ओह जानवर जिहड़े डेयरी फार्म ते रखे गए न, ते असी इस नारे बारे च अपने नाजरीन की इनफॉर्मेशन देंगे, खास करके साडे ओ दोस्त जिहड़े डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, ये असी उन्हां की इनफॉर्मेशन देंगे। तो मजीद वीडियो शुरू होने तो पहला हसबे बमूल असी दरखास्त करांगे साडे चैनल दा नवे आने वाले नाजरीन, बराए मेहरबानी साडे चैनल AJK एनीमल टीवी की सबसक्राइब जरूर करना है, बैल आइकन की भी जरूर दबाना है, ताकि साड़ी हर आने वाली नवी वीडियो जी है तुहाडे दोस्तां वीरां भरावां तक सब तो पहला पहुँच सके। तो सानू लाइक और कमेंट करके सानू जरूर दसना है कि साड़ी अज की कावश साडे दोस्तां साडे वीरां साडे भरावां नू कैसी लगी है। तो तुहाडा टाइम ना जाया करदे होया असी मोहम्मद अमीन साहब जिहड़े इन्हां जानवरों की देखभाल करते हैं उन्हां कोलों इन्हां जानवरों के बारे च पुछने आ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सब तो पहला ये एग्जैक्ट लोकेशन केड़ी है जिथे असं इस वेला मौजूद हाँ जी? फुलर वन। फुलर वन है जी, दंदीदारे का यह नवाई गाँव है। तो मैं अगर वीडियो दस चुके हाँ कि तहसील खारियाँ तो जिला गुजरात। तो माशाला इतने कितने जानवर अमीन साहब इस शेड तक मौजूद न जी? 25-24 दुध देने वाले, 24 मतलब 24 जो दुध देने वाले, बाकी जड़े बाकी 25 आन बनाना कुछ 5 बनिया गावान ने, कोई बाकी बनने वाली ने, मतलब टोटल 50 गेड़े विच जानवर इस शेड ते मौजूद न। ते सर इन दी नस्लां वगैरह सानू दस सकते हो केड़ी नस्ल है जानवर न? प्योर आस्ट्रेलिया जी। जी ये प्योर आस्ट्रेलियन, तुसीं देख सकते हो कि ये जितने भी जानवर इत्थे मौजूद न ये बद्धे वगैरह नहीं है, ये खुले रहिंदे न। इन्हां जिहड़ी वाड़ वगैरह लगाई है जी, इस वाड़ दे अंदर ही रहिंदे न। ते गैर मुतलका जिहड़ा बंदा है वह इहदे अंदर नहीं आ सकदा, ताकि काफ़ी सारा जो बीमारियां डिजीज़ का खतरा होंगे, तो कि जरासीम वगैरह जोड़े न वो एक जगह तो दूसरी जगह जो आते हैं उन्होंने रोकने वास्ते जोड़ा इन्हें बाड़ वगैरह लगाई है, ये गैर मुतलका बंदा जोड़ा वो नहीं आ सकता। अच्छा सर जोड़े ये 24 बंद जड़िया गावं ये मिलदियां मतलब लैरियां, तो ये कितना की दुध जोड़ा एक गां का हो जाता है? माशाल्लाह कुछ गावं ऐसा ने जिड़िया 30 किलो भी दुध दे दी एक टाइम का, ते विच जड़ियां 2-3 महीने तो सूई होई जाण जां 5 महीने तो सूई होई जाण 10-15 किलो इस तरह जी। ते वैसे सारा इकट्ठा दुध हो जांदा जी 150 किलो, मतलब रोज़ रा 150 किलो एक टाइम का दुध हो जाता है। दोनों टाइमों का जोड़ा वो तकरीबन 300 किलो दुध, माशाल्लाह जी बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। तो ज़्यादा तो ज़्यादा कितना गां दुध दें, तो घट तो घट कितना दें कोई एवरेज साढ़े नाजरीन की दसो? जे साढ़े को ऐसा गावं ने जिड़िया 30 किलो दुध दे दें एक टाइम, ठीक है एक टाइम जो 30 तो शाम भी 30 60 किलो हो गया जी। उस तो बाद बेच ऐसा गावं ने जड़िया नहीं, मैं थोड़ी गल टोकन होंगी है कि 60 किलो दुध मतलब एक दिन का सामने है परली साइड से 70-45 गां खलोती है, तो दूसरा इनू तक और इसका सामने साड़ी स्क्रीन जो नज़र आ रही है जी 70-45 गां, तो ये एक टाइम का जी दो टाइम कितना दुध दें जी? 60 किलो दुध है माशाल्लाह, इस तरह की 60 किलो दुध है जी दोनों टाइमों का, माशाल्लाह जी बहुत दुध है 60 किलो दुध जी 70-45 गां दा हर गां ते जनाब वो टैग इस सारे एड टैग लगे ने हुण भी साड़ी स्क्रीन नज़र आ रहा है 361 ये मतलब इन टैगों का की मतलब होंदा? इन टैगों का मतलब होंदा सारे वड्डी गां है। अच्छा इहदी जिहड़ी हुण अगे बच्छी होनी है ना या बच्छी बच्छा या बच्छी इहदा उहदा भी इही नंबर लगना, सिर्फ एक हिंसे का फर्क होना जी, मतलब देखो माशाल्लाह 70-45 गां असां अपने नाज़रीन की दस्या ओ जनाब है माशाल्लाह खीर देखो जी, यह खीर है जी इस गां का,
तो इस गां का दुध है जड़ा वो 60 से 65 किलो है रोज़ का, मतलब शाम की तो सुबह जड़ा दुध देती है 60 से 65 किलो। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा जड़ा ये दुध है जी, अल्लाह इन्ना रे जड़े साल लम्मे करा इन्ह जानवरों के। तो अच्छा मैं सर दसो भी खुराक वगैरह जी है ये जी पट्ठा हरा वगैरह पाते हो या इन्हों की जरा दूसरा सैलेज सैलेज पाते हो? जी सर सैलेज इस्तेमाल करीदा, रेबड़ी वंडा इस्तेमाल करीदा। तो ये सर जरा सैले तुम इस्तेमाल करते हो, ये खुद तैयार करते हो? जी कुछ आप तैयार करने सैले के दिन, बाकी इस टाइम असं मंगा रहे हैं बाहर तो। बाहर तू मंगा रहे जी? इस टाइम उकाड़ा हो गया जी, लाहौर हो गया, इस तरह जी। अच्छा अमीन साहब मैनू ये दसो भी ये सैले जड़ा ये तकरीबन कितने किस तरह किलो पैंदा? ये सानू 9 रुपए किलो पैंदा जी। 9 रुपए किलो पैंदा है, तो खुद भी तैयार करते हो लेकिन हुण तुसी जड़ा वो उकाड़ा वगैरह तू मंगा रहे हो जी। तो एक गां रोज रात तकरीबन कितना सैले जड़ा वो खांदी है जी? ये 20 किलो 25 किलो 20 किलो 25 किलो एक टाइम का खा छड़दी। एक टाइम का जी 20 किलो 25 किलो जड़ा ये सैलेज जड़ा वो एक टाइम का ये गां जड़ी है ये खांदी है। तो एवरेज दुध भी जड़ा अमीन साहब ने दसया है। अच्छा मैनू ये दसो भी माशाल्लाह इन्हें कोई बीमारियां वगैरह जड़िया कि बीमारी है जो खतरा होंगे, मतलब ज़्यादा इस बीमारी तो जरा इस तरह खतरा है जानवर की? इन्हों माशाल्लाह कोई इस तरह की बीमारी नहीं है, सिर्फ उस टाइम बीमारी की शिकायत होती जिस टाइम हरा पट्ठा पाएगा, मतलब हरा पट्ठा जल्द तुम पाते हो तो उस वे फिर इन्हों की। तो फिलहाल तुम इन्हों की मतलब तूड़ी वगैरह तो सैलेज वगैरह पा रहे हो? हाँ जी तूड़ी नहीं सैलेज गला पा रहे हैं सर। सिर्फ सैलेज पाना, मतलब तूड़ी वगैरह या टांडे वगैरह नहीं पाने जी, सिर्फ तूड़ी पानी है। अच्छा अमीन साहब ये माशाल्लाह 24 जानवर जड़े ने वो असल दुध दे रहे जी, तो इन्हों की चुवाई का जरा ये सिस्टम है, हथ नाल चुवाई करते हो या तुम जरा मशीन वगैरह रखी? जारी गल है जी गां जी 30 किलो एक टाइम का दुध देती है तो उस वास्ते फिर चुवाई तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जी। नहीं असं चुनते ही मशीन दे जी, मशीनों साढ़े को जी असं शाम को 4 एक फेरे लाए दें जी, 8 मिनट बाद 4 एक चो के फारिग हो जाती मशीन। 8 मिनट बाद जी गां जी है वो फारिग हो जाती है। अच्छा मैं ये दसो भी इस टाइम एक जी चंकी गां आस्ट्रेलियन माशाल्लाह सारे चंगी हैं, तो इस कीमत मार्केट प्राइस की है, मतलब कितने तक जो सा दोस्त वीर भरा लेना चाहन तो कितने तक गां जी है मिल सकती है? ये जी 4-4.5 लाख तो कम नहीं मिल सकती जी, मतलब 4-4.5 लाख तो जड़ा वो कम ये गां नहीं मिल सकती जी प्योर आस्ट्रेलियन है जिसकी दुध की पैदावार जी ज़्यादा है, वो 4-4.5 लाख तो कम जी है वो मार्केट प्राइस नहीं है। तो एक और भी सानू दसो भी अमीन साहब भाई माशाल्लाह ये जड़े इन्हों की जो बीं वगैरह रखाते हो जो गब्बन जी गावं कराई जाए ये डॉक्टर वगैरह बुलाते हो या इन नस्लों ने कुछ जानवर होंगे जिन्हों तो गब्बन वगैरह कराते हो? जी साढ़े एक जानवर बैठा माली एक फेरे जी, मतलब वो देख रहे हो जिसकी नथ पई है जी वो माली है जी। वो साड़ी स्क्रीन जी नज़र आ रहा जरा ये बैड़ा झोटा भी तुम कहा जा सकता है, तो और भी इतना एक दो इन्हें रखे उन्होंने तो जनाब इन्हों की जरा गब्बन वगैरह कराते हो, मतलब डॉक्टर को टीका शीका जरा वो तुम नहीं कराते जी, यही गल है जी। तो असी जी इसे वीडियो ही अपने नाजरीन की जड़ा वो जे बच्छे बच्चियां उन्होंने भी क्लोज व्यू जरा वो कराने यह जड़िया मतलब गब्बन ये दुध वास्तव तैयार नहीं है, तो इन्होंने भी तुम कन्ना दे सकते हो टैग जड़े ने मौजूद न। इस तो अलावा यह जड़े बच्चियां बच्चे ने वह भी असी अपने नाजरीन की जड़ा वह व्यू कराने जड़े ने ये बच्चियां बच्चे जी इन जानवरों के जड़े जानवर गावं जड़ियाँ तैयार सूईयां जड़ियाँ दुध देंदियां पियां। तो मैं दोबारा फिर दोहरा रहा कि अल ऐवान डेयरी फार्म है जी, ये फुलर वन नजर दंदीदारा तहसील खरियां जिला गुजरात। देख सकते हो वीडियो बच्चे वो जरा वो इन्ना जरा बच्छा वगैरह रखे है माली जरा रखे है वह गावं वास्ते, तो बड़ा जी अच्छा है जी इन्हा जानवर न माशाल्लाह अल्लाह इन्हे साह लम्मे करे। असी अपने दोस्तों वीर वास्ते इस तरह दी और भी वीडियो लैके आते रहेंगे। तो एक आखिरी सर सवाल है जी, कि आखिरी सवाल यह है कि
ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੇਲਮ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੀ ਜੇਲਮ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ? 90 ਰੁਪਏ। 90 ਰੁਪਏ ਜੀ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ 300 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਚਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਵਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਚਵਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਗੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਨਿਪਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 30 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 8 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਵਾਈ ਕਰ ਦੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਸਕਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੀ? ਇਹ 20 ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ, 10 ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, 30-40 ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਮਰਨ, 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, 15-20। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ।